न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जंतर मंतर पर यहाँ कुछ स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि जो BHU के अंदर जो लाठी चार्ज हुई है उसका क्या कारण था। JNU से हूँ, 100 फ्लावर्स ग्रुप है हमारा वहाँ पे मार्क्सिस्ट स्टूडेंट्स का, मैं उसी से हूँ। लेकिन मैडम, आप जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, आप किन मांगों को लेकर कर रही हैं? देखिए, ये जो BHU में पिछले 48 घंटों से वहाँ पे वहाँ की छात्र छात्राएं एक साथ मिलके जो एक संघर्ष लड़ रहे हैं वहाँ पे समानता के अधिकार के लिए और पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज जाने के लिए, उसके लिए उसकी सॉलिडारिटी में, उसकी एकजुटता में हम यहाँ पे सारे छात्र BU से, AMU से, IGNU से भी हैं जो यहाँ पे एकजुट हुए हैं। आपकी मांग क्या है? मांग देखिए, जिस तरह से एक घटना से ये पूरी जो चीज़, ये जो पूरा मूवमेंट जो है वो उस घटना से शुरू हुई है, जिसमें एक छात्रा को वो अब 6 बजे, मात्र 6 बजे, जबकि सूरज भी नहीं ढलता है, वो अपने हॉस्टल वापस लौट रही थी। शायद रेक्टर ऑफिस के आसपास एक लड़का बदतमीजी करता है उसके साथ, और वहाँ पर जब उसकी शिकायत वो अपने वार्डन को करती है तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि वहाँ का वार्डन उनसे पूछती है कि आप 6 बजे बाहर क्या कर रही थी, आप बाहर रहेंगी तो आपके साथ ऐसा ही होगा। उसके बाद ये पूरी शील्डिंग, ये गुंडों के खिलाफ तो कभी कार्रवाई नहीं होती, और हर बार वहाँ की छात्राएं जब ये कंप्लेन करती हैं तो उन्हीं के ऊपर, उन्हीं को आरोपित किया जाता है, उन्हीं के ऊपर उनकी ब्लेमिंग चलती है कि ये लड़की बुरी है, ये तो इसका कैरेक्टर असैसिनेशन चलता है। तो ये लंबे, मतलब ये उबल रहा था, जो कि उस दिन एकदम उबल पड़ा, गुस्सा आया उन छात्राओं को कि कब तक हम ये झेलेंगे, और वो सड़कों पर जाके लंगा गेट को वो उन्होंने ब्लॉक किया और वहाँ बैठ गई कि प्रशासन आके सुने और उनकी जो बेसिक डिमांड है, लंबे समय से वहाँ पर मूवमेंट चल रहा है जो कर्फ्यू टाइमिंग है उसके खिलाफ, ये गुंडागर्दी जो है उसको ख़त्म करने के खिलाफ, उनको जो सिक्योरिटी देना चाहिए कैंपस में, लाइब्रेरीज में उन्हें जाने का अधिकार होना चाहिए, ये तमाम मुद्दों के साथ वो वहाँ पे बैठी हैं और हम उन सॉलिडारिटी के साथ वहाँ पे हैं। कल रात जिस तरह प्रशासन, सरकार और ये पूरा पुलिस ने उनके ऊपर जो लाठी चार्ज किया उसकी घोर निंदा करते हैं हम, और शर्म आनी चाहिए। मोदी सरकार का कल दुर्गा की आरती करने गए हुए थे वहाँ पर और भारत माता की जय बोलते, क्या ये औरतें, ये उन्हें नज़र नहीं आती, ये भी औरत हैं। बस जब हम अपने हक के लिए सड़कों पे उतरते हैं, हम बराबरी मांगते हैं, जब बराबरी की बात करते हैं, तब पता चलता है कि हम न माता हैं उनके लिए, न भगवान हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वो हम उनके लिए गुलाम हैं, और अगर गुलाम आवाज़ उठाता है तो उसको दबा दिया जाना चाहिए। मतलब जो वार्डन जो कह रहा था कि भाई आप 6 बजे क्यों निकलती हो, क्या आपके साथ तो ऐसे ही होगा, उसका क्या नाम है? किसका? वार्डन का? हाँ। नहीं, वार्डन का नाम तो अभी क्योंकि फेसबुक पे ये सब पे हम लोगों ने ज़्यादा देखा नहीं है, होगा जो भी वार्डन का, वहाँ की जो हॉस्टल की जो वार्डन है उसके खिलाफ ये हुआ है। लेकिन जो आप अपनी शिकायत जिससे भी करती हैं, वो आपकी शिकायत का कोई अमल जामा नहीं बनाया जाता और स्टूडेंट को धमकाने का काम करते हैं? बिल्कुल, ये हमें अभी से नहीं, लंबे समय से, और मतलब BHU में जैसे ये मान्य है, नेचुरलाइज कर दिया गया है छेड़खानी खिड़कियों में, जब खिड़कियों पर रहती हैं लड़कियां और वहाँ से नीचे से गंदे गंदे कमेंट्स किए जाते हैं और बोला जाता है कि आप वो जाते कंप्लेन करती हैं तो क्या होता है आपको पता है, बोला जाता है आप खिड़कियों पर थी क्यों, खिड़की बंद कर लीजिए आप, ये तरीका है। इससे आप उन गुंडों को शह दे रहे हैं कि जो करना है करो बेटा, तुम्हारे तो कुछ नहीं होगा। यही सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, जब वो बेटियां पढ़ने के लिए सड़कों पे हैं तो उनके ऊपर लाठी चला रही हैं। आप तो यही कर रहे हैं ना, बेटी पिटाओ गुंडा बचाओ, यही चल रहा है इस सरकार का। आगामी योजना क्या रहेगी आपको? आगामी फिलहाल तो हम दिल्ली में हैं और हर जगह लगातार यहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी सॉलिडारिटी दिखाएंगे और उनके साथ हम एकजुट खड़े हैं, और जब तक उनका संघर्ष चलेगा हम उसके साथ रहेंगे। धन्यवाद।